गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कैपिलरी हाइट का डेरिवेशन पढ़ेंगे। बेटा ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने एनी लिक्विड कंसिडर किया। ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी मान लेते रो, रो भी दे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब हमने इसमें एक स्मॉल ट्यूब को रखा। बड़ा ये स्मॉल ट्यूब यानी उसका डायमीटर काफी छोटा होना चाहिए, तो ये कैपिलरी ट्यूब कहलाएगा। जैसे कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर रखोगे तो ये लिक्विड जो होता है वो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज हो जाता ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो बेटा ये कैपिलरी ट्यूब में ये लिक्विड राइज हो गया। यहां तक समझ में आया सबको? सो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन और ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। अब इसकी जो हाइट है वो मान लेते एच। सो व्हाट इज द एच? एच बी द हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। नाउ बेटा ये जो लिक्विड है ये वाला, ये सिर्फ टू डायमेंशनल यानी इस टाइप से है। ये पूरा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ऐसा राइज हुआ है। So, ये हर एक पार्ट है ना वहां पर ऐसे, ये लिक्विड का टॉप पार्ट। अब यहां पे सरफेस टेंशन ऐसा दिखेगा, यहां पे सरफेस टेंशन ऐसा, यहां पे सरफेस टेंशन ऐसा, यहां पे सरफेस टेंशन ऐसा, पूरा लिक्विड है ये, ऐसा राइज हुआ है। तो इसमें सरफेस टेंशन अलोंग द टेंजेंट दिखा दो आप। अब ये सरफेस टेंशन सिर्फ दो ही नहीं है, ये वॉटर के सरकमफेरेंस में जितने भी पॉइंट आएंगे वो सभी पॉइंट से सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ले लिए। क्लियर? अब ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ले लिए आपने, ये वाला सरफेस टेंशन इस तरफ तो ये वाला सरफेस टेंशन इस तरफ। अब आप क्या करोगे बेटा, सरफेस टेंशन को रिजॉल्व इंटू टू कंपोनेंट्स कर दो, इनके दो टुकड़े कर दो। जैसे मैंने इसके दो कंपोनेंट बना दिए ऐसे, यानी ये जो सरफेस टेंशन था इसके दो टुकड़े बना दिए, वन इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज अलोंग द वर्टिकल। सिमिलरली बेटा ये वाले के भी दो कंपोनेंट बना दो, सो इसके भी दो टुकड़े बना दिए, एक ऐसा और एक ऐसा। नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द ग्लास ट्यूब, विद द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब विच इज इनसाइड द लिक्विड। तो बेटा ये लिक्विड के अंदर जो वॉल है वो ये वाला है और ये टेंजेंट आपका ऐसा हुआ। सो ये रहता है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो टेंजेंट आपने बनाया वो टेंजेंट और ग्लास वॉल विच इज इनसाइड द लिक्विड ये वाला, इनके बीच में का एंगल है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। अगर ये हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा रहा तो डेफिनेटली ये भी थीटा बनेगा। यहां तक समझ में आया बेटा सबको? नाउ अब जो थीटा को लग के रहता वो हमेशा क्या लेना चाहिए, कॉस कंपोनेंट। तो ये हो गया आपका टी कॉस थीटा, और जो दूसरा रहता उसे क्या लेना चाहिए बेटा, टी साइन थीटा। इस तरीके से आपने सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट बना लिए। अगेन इसका भी दो कंपोनेंट बनाओ, ये वाला एंगल क्या रहेगा आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा टी कॉस थीटा क्योंकि वो थीटा को लगकर है, और दूसरा वाला रहेगा टी साइन थीटा। अब अगर हमने ये वाला जो लिक्विड आया है ऊपर, ये ऐसा सर्कल में आया हुआ है, पूरा सर्कल में ये पूरा लिक्विड ऐसा राइज हुआ है बेटा, तो ये पूरे सर्कुलर पॉइंट्स ले लिए सर्कमफेरेंस वाले। अब टी साइन थीटा जो है वो ऐसा आ रहा है, ये सब टी साइन थीटा आ रहा है, ये ऐसा ले लेंगे, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जाएगा तो ये ऐसा जाएगा, ये इस तरफ तो ये इस तरफ, ये सभी बेटा टी साइन थीटा की कंपोनेंट्स है, यानी ये पूरे टी साइन थीटा कैंसल इच अदर, तो ये सभी टी साइन थीटा ऐसे हर एक पॉइंट के टी साइन थीटा सभी एक दूसरे को कैंसल करेंगे। तो इन्होंने सबने कैंसल कर दिया एक दूसरे को, तो
तो इसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, जैसे आपका लिक्विड है, ये सर्कुलर फॉर्म में ऊपर लिक्विड है, इन सभी पे बेटा टी साइन टी कॉस थीटा कहां पर एक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ। ये सभी कंपोनेंट लोगे आप टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा, सो टी कॉस थीटा ये सभी के सभी सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आ रहे हैं, सो आपका टी कॉस थीटा ये कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नाउ बेटा सरफेस टेंशन यानी क्या रहता, तो सरफेस टेंशन यानी रहता फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो दैट्स व्हाई फोर्स इक्वल टू आप कितना लोगे, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, यानी टी कॉस थीटा ये हो गया सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो बेटा लेंथ ऑफ सर्कल, ये आपका पूरा सर्कुलर पॉइंट है ना यहां पर, यह हर एक पॉइंट से यहां पे, तो ये सर्कल की लेंथ क्या लेते हो आप, 2πr, ये आपने सर्कल सर्कल की लेंथ ले लिया। सरफेस टेंशन टी कॉस थीटा ही बचेगा, टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसल हो जाएगा, सो अकेला टी कॉस थीटा कंपोनेंट बचा सरफेस टेंशन का। सो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा? तो यहां से हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ कर देंगे, और लेंथ किसकी रहेगी, सर्कल की, क्योंकि ये जो वाटर ऊपर राइज हो रहा है वो सर्कल बना रहा है ऐसा, तो ये आपने ले लिया 2πr। यहां तक क्लियर है सबको? ये मैं ऊपर लिख देता हूं, फोर्स यानी टी कॉस थीटा इंटू 2πr, यहां पे जो लिखा हुआ था इसको मैंने ऊपर लिख दिया, सो ये फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, सर्कल की लेंथ 2πr, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको। यहां तक आ गया समझ में? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला फोर्स कौन सा है, ये जो फोर्स है वो अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन ने लिक्विड को जो ऊपर की तरफ राइज किया वो वाला फोर्स था, ठीक है। अब बेटा ये जो लिक्विड ऊपर की तरफ राइज हुआ है, ये लिक्विड का वेट तो डाउनवर्ड एक्ट होगा, ये जो लिक्विड ऊपर की तरफ राइज हुआ है यहां से लेके यहां तक का, ये वाला लिक्विड का वेट कहां पर एक्ट हुआ, सो वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप ये ले रहे हो तो वेट एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा रहेगा, डाउनवर्ड फोर्स इज वेट ऑफ लिक्विड। सो बेटा वेट कैसे निकालते हैं, एम इंटू जी ऑफ लिक्विड, और मास कैसे लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिक्विड का। तो बेटा यहां पर हमने ये जो लिक्विड है उसका वेट ले रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट रहता है एम जी, एम मास यानी क्या, इस लिक्विड का मास, तो लिक्विड का डेंसिटी इंटू लिक्विड का वॉल्यूम। नाउ बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम कैसे लेते, सो वॉल्यूम लेने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, तो ये ऐसा हो गया। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मान लो ए, हाइट को मान लो एच, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट गिव्स वॉल्यूम, सो वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, सो ये हो गया आपका डाउनवर्ड फोर्स। बेटा एरिया की जगह पर क्या ले सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर डेंसिटी, ये एरिया ऑफ सर्कल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हमने दो इक्वेशन बना लिए, एक डाउनवर्ड फोर्स एक अपवर्ड फोर्स, अब आप दोनों को इक्वेट कर दो। ये आपका स्टेप 1 हुआ था, ये आपका स्टेप 2 हुआ था। वाटर को लिक्विड को ऊपर की तरफ किसने उठाया था, सरफेस टेंशन ने, जो फोर्स आपका ये वाला था, और लिक्विड को नीचे की तरफ कौन खींचेगा, तो वेट ऑफ द लिक्विड जो इतना है, सो अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स। तो एक फोर्स हमारा ऊपर की तरफ था, एक फोर्स हमारा नीचे की तरफ था, दोनों को अब हम लोग बैलेंस कर देंगे। नाउ बैलेंस द अपवर्ड फोर्स विद डाउनवर्ड फोर्स,
अब बराबर ध्यान बनाए रखना बेटा। सो फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड वाला फोर्स हमने कितना लिखा था, तो टी कॉस थीटा इंटू टू पाई आर, और बेटा डाउनवर्ड फोर्स क्या था हमारा, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। अब यहां कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर देना, पाई पाई कैंसिल हो सकता है, यहां पे एक आर कैंसिल हो सकता है, बची हुई चीजें टू टी कॉस थीटा इक्वल टू रो आर एच जी। हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कैपिलरी हाइट निकालना, यानी कैपिलरी ट्यूब में कितना लिक्विड राइज होता है वो हाइट निकालना। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एच इक्वल टू टू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। ये आर आपने, ये आर रो और ये जी, इनको आपने नीचे भेज दिया। सो इससे आपका कैपिलरी हाइट का डेरिवेशन आ गया। समझ में आया बेटा सबको कैपिलरी हाइट का डेरिवेशन, एकदम सिंपल डेरिवेशन है, थोड़ा सा आपको स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज होता है वो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। उसमें टी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ टी कॉस थीटा। तो सरफेस टेंशन यानी क्या लोगे बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स यानी क्या, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ये अपवर्ड फोर्स हो गया। और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लोगे, वेट ऑफ द लिक्विड। वेट ऑफ द लिक्विड क्या रहेगा, एम जी। मास क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे पूरे स्टेप्स आपको आने चाहिए। अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों को आप बैलेंस कर दो, आपका कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहेंगे। ठीक है बेटा, ओके।